नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। राइस मिलर्स ने सिर्फ चावल सफाई में ही 300 करोड़ का खेल खेल दिया और सरकार ने एफआईआर में राइस मिलर्स के साथ अधिकारियों को भी शामिल कर दिया। मतलब सारी गलती या तो राइस मिलर्स की है या फिर अधिकारियों की। लेकिन क्या इसमें कोई और भी शामिल है? क्या बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला हो सकता है? शायद नहीं। इसलिए सवाल अब ये भी है कि आखिर कौन खा गया 300 करोड़ के सरकारी चावल। तो पहले इस रिपोर्ट के जरिए आपको ये बताने और दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा खेल कैसे हुआ और 300 करोड़ के सरकारी चावल आखिर कौन खा गया। इस रिपोर्ट में देखें, 2013 से चूना लगना शुरू हुआ और अब तक लगता रहा, लेकिन सरकार अनजान रही। अब जब कार्यकाल का अंतिम समय आ गया तो राइस मिलर्स के खिलाफ एफआईआर करके क्या जीरो टॉलरेंस दिखाने की कोशिशें हैं? लेकिन जब आपने मान लिया कि घोटाला हो गया तो जीरो टॉलरेंस वाली बातें तो धरी की धरी रही। घोटाला किसने किया, कैसे किया, इसमें कौन कौन शामिल हैं, खेल कैसे चल रहा था, ये सब जांच के बाद साफ हो पाएगा। फिलहाल आप इतना मान लीजिए कि आपके राज्य में घोटाला हो गया। घोटाले में अधिकारी शामिल हो या राइस मिलर्स का पूरा खेल हो, लेकिन हुआ तो आपकी नाक के नीचे ही। अब करिए एफआईआर, करवाइए जांच। भारत में कितने घोटाले होते हैं और उन पर कितने फैसले आते हैं, किससे छुपा है, ये तो फिर भी 300 करोड़ का मामला है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे हैं जो अरबों खा गए और डकार भी ना ली। फिर भी चलिए, सरकार ने कार्रवाई की शुरुआत तो की है। इसमें कुछ ही लोग हैं, उसमें ज्यादातर जो हमारे डिफॉल्ट हैं वो करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं, कुछ कुरुक्षेत्र के अंदर हैं। तो ज्यादातर दो ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये इस प्रकार के डिफॉल्टर हैं, ज्यादा बाहर के डिस्ट्रिक्ट के इतने नहीं हैं, हैं थोड़े बहुत हैं। और लगभग 300 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का जो चावल है उनके पास, कई सालों का ये जो हम काउंट करते हैं, ये सारा उनके पास जो है ना पेंडिंग है। और सरकार ने सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी है। अब की बार तो हमने जो इनके गारंटर भी थे उनको भी साथ में लिया है, ताकि जो है ना इनसे ज़्यादा जल्दी से जल्दी रिकवरी करके और जो सरकार का नुकसान है उसकी भरपाई की जा सके। ऐसा नहीं है कि राइस मिलर्स ने ये खेल बड़ी चालाकी से या छुपकर खेला हो, खेल तो खुला ही चल रहा था, शायद आंखें ही मूंद ली गई थी। दरअसल हरियाणा में 300 करोड़ का चावल घोटाला हुआ। सरकारी अफसरों के साथ मिलकर राइस मिलर्स ने घोटाला कर दिया। लगभग 40 राइस मिलर्स पर केस दर्ज हो गया, कई अधिकारी निशाने पर हैं। घोटाले में शामिल रहे जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों, अफसरों और निरीक्षकों को नियम 7 के तहत बर्खास्त करने की तैयारी है। एफआईआर में मिल मालिक के अलावा गारंटर्स पर भी गाज गिरी है। अब सवाल ये उठता है कि घोटाला हुआ तो हुआ कैसे? 2013-14 की पेंडिंग केस थे जिनके अगेंस्ट एफआईआर अभी दर्ज नहीं हो पाई थी, तो इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए हमने एफआईआर दर्ज कराई है। इसमें हमारा जो प्रायर मोटो है वो हमारा रिकवरी है, तो हम इनसे अपना रिकवरी करेंगे और आगे इन पे कार्रवाई करते हुए इनकी प्रॉपर्टी अटैच कराएंगे। 11 राइस मिलर्स हैं जिन्होंने पूरी तरह से अपना जो CMR हमें देनी थी वो नहीं दी थी, उनके अगेंस्ट हमने दर्ज करवाई है। जिस बात को आप 300 करोड़ का घोटाला कह रहे हैं, ये एक ब्याज और पेनल्टी समेत है, ये घोटाला नहीं है, ये एक व्यापारिक परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं। हालात वर्ष 13-14 के अंदर बेमौसमी बारिश आ गई थी जिसमें मंडियों में पूरी पैडी भीग गई थी, और जब उस पैडी का चावल हमने राइस मिलों में शुरू किया, मिलिंग शुरू की, तो उसमें से डैमेज चावल निकला और जो के FCI के मापदंडों के अनुसार नहीं था। तो धान का सीजन अक्टूबर तक चलता है, सीजन के दौरान ही राइस मिलर्स को पैड़ी आवंटित की जाती है। इसकी मिलिंग कर चावल 31 मार्च तक वापस देना होता है। जिन राइस मिलर्स ने वर्ष 2013-14, 2014-15 और 2015-16 के दौरान विभाग को चावल नहीं दिया, 2010 से 2015 तक खरीदा गया जो धान राइस मिलर्स को दिया गया था, उसमें से मिलर्स ने करीब 115 करोड़ रुपए का चावल नहीं लौटाया। इसी तरह से करीब 24.5 करोड़ रुपए का चावल कम दिया गया, जबकि अफसरों ने नमी के कारण कटौती के 2.5 करोड़ रुपए भी नहीं वसूले। कुछ मिलर्स को समझौता नहीं होने के बावजूद धान दिया गया। धान घोटाले में अफसरों की पूरी मिली भगत रही। गोदामों को चेक नहीं किया गया।
एफसीआई को भेजे गए चावल की समय पर बिलिंग नहीं की गई। इससे विभाग को करीब 9.5 करोड़ रुपए का ब्याज देना पड़ा। कई राइस मिलर्स से वसूली का प्रयास भी रहे, लेकिन उनकी गारंटी के रूप में जमा चेक बाउंस हो गए। इसके बावजूद आरोपियों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये कह देने भर से काम नहीं चलेगा कि राइस मिलर्स और अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी या की जा रही है। क्या इतना बड़ा घोटाला बिना किसी राजनीतिक संरक्षण के हो गया? अगर अधिकारी और राइस मिलर्स मिलकर ये खेल खेल रहे थे तो मंत्रालय क्या कर रहा था और मंत्री जी क्या देख रहे थे? आपकी नाक के नीचे घोटाला हुआ है, जवाब तो आपको ही देना होगा। क्योंकि अगर 2013 के डिफॉल्टर को आप भी लगातार ध्यान देते रहे तो दूध का धुला कौन है? स्पेशल डेस्क, खबरें अभी तक। बिल्कुल, सरकार ने क्या किया, मंत्री जी ने क्या किया और विभाग में इस तरह की बातें कैसे निकलकर सामने आ सकती है कि रिकवरी जो की जानी थी उसके बावजूद भी डिफॉल्टर्स को लगातार राइस दिया गया। जानकारी लेना किसका काम है, सरकार की क्या भूमिका रखी और सरकार से अभी क्या उम्मीदें की जा सकती है, जांच को लेकर कार्रवाई को लेकर एक खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे। हरियाणा बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ कृष्ण ढूल साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बाल मुकुंद शर्मा हैं, इनेलो प्रवक्ता प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सुरेंद्र धीमान हमारे साथ हैं, साथ ही राइस जो मिल है उनका भी पक्ष जानेंगे। हमारे साथ फोनलाइन पर हंसराज जी जुड़ेंगे। स्वागत है सभी का इस चर्चा में। शुरुआत करेंगे ढूल साहब आपसे, कहा गया ये सरकारी चावल? देखिये ज्योति, निश्चित तौर पर जो चूक हुई थी उसको सुधार लिया गया समय रहते। और अगर आप इस पूरे कार्यकाल की बात करेंगे तो इसमें बताया कि 2013 से लेकर के 2016 के बीच का है, तो हमारे टाइम का स्पैन बहुत कम है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को और हमारे पत्रकार मीडिया के जो साथी हैं उनको साधुवाद देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, कि जिन्होंने समय रहते जिस प्रकार का पुराना स्कैंडल चल रहा था और जो जो इसमें इन्वॉल्व थे उन सब के विरुद्ध ना सिर्फ विभागीय कार्रवाई अधिकारियों के विरुद्ध की, जिनको के बर्खास्त करने तक की तैयारी है, और ऐसे मिलर और ऐसे लोग जो वर्षों से इस प्रकार के घोटालों में लिप्त थे उनके ना सिर्फ लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए, उनको डिफॉल्टर कर दिया गया, उनके विरुद्ध पुलिस की FIR दर्ज कराई गई है, उनको पकड़ा गया और बहुत सारे लोग अभी लॉकअप के अंदर है। वाकई आपको लगता है सरकार को साधुवाद दिया जाए इस मामले में? देखिए, अगर हम किसी चोर की चोरी को पकड़ते हैं जी, और उसके बाद उसको चोर को सलाखों के बीच में डाल देते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप ये कहते हैं कि नहीं आप लोग साधुवाद के नहीं आप प्रताड़ना के अधिकारी हैं, तो जैसा आपका उचित लगे। पर मैं ये आपको भाजपा का पक्ष रखते हुए मंत्री जी की सजगता और सतर्कता देखते हुए बता रहा हूं कि बहुत जल्दी हमने इस चीज को पकड़ लिया है और बहुत कम समय में। अगर इसमें भी आप नुकसान जो 300 करोड़ का दिखाया जा रहा है वो 200 करोड़ से ऊपर का बकाया जो है 2013 से शुरुआत होती है, 2018 में हम पैनल पर चर्चा कर रहे हैं। आपको लगता है कि मनोहर सरकार को साधुवाद दिया जाए क्या? वाकई इतनी जल्दी से एक्शन लिया गया? यहां दुरुस्त करूं ज्योति, हम चर्चा 2018 में कर रहे हैं। घोटाले का जो स्पेन है वो मार्च 2016 तक है, जिसमें हमारी सरकार ने 26 अक्टूबर 2014 में हमने शपथ ली थी। तो जिस प्रकार का छोटा स्पेन भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आया है और वो पुरानी रूटीन के हिस्से की बात है, हम कर रहे उस चीज संतोषजनक अगर एक्शन ले लिया गया होता तो आप लोगों को साधुवाद देते कि अभी तक एक्शन आप लोग ले चुके हैं। अत्रे साहब क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये मुझे ये तर्क समझ में नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में छोटा स्पैन आया, ये बड़ा अजीब सा तर्क है। 2013 से लेकर अगर हम 2016 की बात भी कर रहे हैं तब भी भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में बड़ा स्पैन आ रहा है, तो इस तरह का तर्क देने का मुझे नहीं लगता कोई मतलब बनता है। सवाल यहाँ पे ये है कि जो इतना बड़ा धान घोटाला लगातार प्रदेश में हो रहा था और लगातार इंडियन नेशनल लोकदल इसके खिलाफ आवाज उठा रही थी, उस सरकार सो क्यों रही थी? सवाल ये भी है कि जब एक जिले का धान गैर कानूनी ढंग से इसलिए कह रहा हूं कि कानून उसकी इजाजत नहीं देता, दूसरे जिले में ट्रांसफर हो रहा था, हम आवाज उठा रहे थे, सरकार कहां सो रही थी? सवाल यह भी उठता है कि जब हम्बाला के अंदर बाकायदा हमारे कार्यकर्ताओं ने तो गाड़ी पकड़ के गाड़ी को रोक के सीएम साहब तक को इन्फॉर्म किया था कि दूसरे प्रदेश से घटिया स्तर का धान यहां पे लाया जा रहा है, अच्छे स्तर का धान मार्केट में बेचा जा रहा है, ये घोटाला हो रहा है, तब भी सरकार कहां सो रही थी? और ये कोई एक दो तीन बात नहीं है, आप मान के चलिए जब धान खरीद घोटाला हुआ था ज्योति आपको भी याद होगा, उस वक्त भी अभय सिंह चौटाला जी बाकायदा गए, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया और मैं साथ में था इसलिए मुझे पूरी डिटेल में पता है, उसमें कंप्लेंट्स
किसानों की तरफ से, कंप्लेंट्स कुछ व्यापारियों की तरफ से कागज के ऊपर विद डिटेल्स, उसके बावजूद सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार कहां सो रही थी। ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है ज्योति, इस ये इतना बड़ा घोटाला है, इसकी तो बाकायदा सीबीआई जांच हो तो पता लगेगा कितने बड़े बड़े मगरमच्छ, और वो मगरमच्छ कौन है जो सरकार की सरप्रस्ती में इस तरह के घोटालों में संलिप्त है। इतनी छोटी चीज नहीं है जिसको ये कह के हम टाल दे कि सरकार के हिस्से में छोटा स्पेन आया है। इसके अंदर किसान भी लूटा है, इसके अंदर प्रदेश सरकार का रेवेन्यू भी लूटा है, ये इतना बड़ा घोटाला है, इसकी सुनिश्चित जांच सुनिश्चित होनी चाहिए। एक और मुझे बात याद आ गई, आपको याद होगा जब धानखरीद घोटाले का बात हुई थी उस वक्त करनाल की मंडी में गेट पास का घोटाला हुआ था, और उसमें वो व्यक्ति पकड़ा गया जो सरकार के विधायक का आदमी बाकायदा उसकी फोटो लगा के, और वो धंधा। तो आप समझिए कि सरकार के लोग कहां का संलिप्त थे, उस वक्त सरकार क्यों सोती रही, उस वक्त सरकार ने इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। तो कहीं ना कहीं सरकार के अंदर बैठे लोग, एक तो किसान को उन्होंने बहुत सस्ता जरिया समझ लिया है, लूट का सामान समझ लिया है कि किसान को तो कभी भी लूट लो उसकी फसल, कभी भी लूट लो, एक। दूसरा, सरकार के रेवेन्यू को उन्होंने लूट का आसान समझ रखा है कि सरकार का रेवेन्यू लूट लो, कोई पूछने वाला नहीं। ये हालात है इस वक्त प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे। मुकुंद शर्मा जी, कांग्रेस कहां खड़ी है, क्योंकि 2013 से इस मामले के इस एपिसोड की शुरुआत हो जाती है, कांग्रेस का कितना कहे कि हिस्सा इसमें रहा, कितनी भूमिका आप लोगों की नकारात्मक? देखिए, इसमें समय की कुछ बात नहीं है, 2013, 2014, 2015, 2016 तीन साल का जो अरसा इसमें निकला, इसमें ज्यादातर दो साल कुछ महीने बीजेपी का समय रहा है। मैं फिर भी ये कहना चाहता हूँ समय की बात नहीं है, ये सारा का सारा घोटाला बीजेपी के टाइम में ही हुआ है। और कैसे? आंकड़े बता रहे हैं, बताइए। जो इन्होंने जो दान किसानों से लेकर के मिलिंग कर करके आम जनता को देना था, उस दान को आम जनता को देने के बजाय उसको दूसरे प्रदेश में भेज दिया गया, और दूसरे प्रदेश से खराब दान लेकर के, खराब क्वालिटी लेकर के इन्होंने यहाँ ला करके सरकार को दे दिया, सरकार को दोनों तरफ से नुकसान किया। और जहाँ तक साधुवाद की बात की है, हमारे प्रवक्ता साहब ने बीजेपी के, इनके साधुवाद का पता नहीं, ये खुद ही आइडेंटिफाई कर देते हैं, खुद ही क्लैरिफिकेशन कर देते हैं। कल परसों इनके मंत्री, एक वो आरटीआई के तहत एक घोटाला आया है, उन्होंने अपने आप को क्लीन चिट दे दी, आज इनके मंत्री खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं। भाई, अधिकारियों पर गाज गिर करके ये अपना बचाव कर लेते हैं, अधिकारियों के खिलाफ FIR कर दी, जबकि शामिल ये खुद है इसमें। धीमान साहब, कैसे समझा जाए इस पूरे एपिसोड को, पूरे मामले को? डिबेट को एक सही दिशा में चला जाए, इसलिए कुछ तथ्य पहले बताना चाहता हूँ। ये जो जिस जो आपने डिबेट का इशू रखा है, ये कैग की रिपोर्ट का इशू है। बिल्कुल। कैग ने 2010 से 2015 तक का डाटा उठाया था, 2014 में जो धान खरीदी गई थी ये पूरा कांग्रेस के टाइम का मामला है, इसमें बीजेपी के शासन का कोई धान नहीं खरीद हुई। जो अत्री साहब कहते हो, जब बाद में ये कैग पकड़ेगी, इसके इस जब ये 2014-15 का इशू है, उसके बाद का जब इसका ऑडिट होगा वो मामला तब आएगा, जो इन्होंने कहा था धान घोटाला, बोलते अभी इसमें आया ही नहीं इशू। तो ये एक तो 2010 से 2015 का है, नंबर एक। तो नंबर दो, कैग ने क्योंकि अपनी रिपोर्ट में लिखा है, इसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, सरकार भी इसमें, सरकार क्या है, सरकार को तो जो मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई होते हैं वो तो पॉलिटिकल बॉसेज होते हैं, उनके नीचे अफसर काम करते हैं। ये घोटाला इसलिए हुआ है, ये पहली दफा भी नहीं, नंबर एक तो ये पहली दफा नहीं हो रहा है, ये लगातार चलता आ रहा है। इसमें जो राइस मिलर्स हैं उनको भी डिबार करते हैं, लेकिन इसमें घोटाला किस तरीके का हुआ, 5 साल में जितना 158 लाख मीट्रिक टन की टोटल खरीद हुई, सरकारी एजेंसी केंद्र के लिए करती है हमारी हरियाणा की एजेंसी, ये क्योंकि फूड सप्लाई डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इसका ये जो स्पैन है हमारा थोड़ा सा कम हो गया। अगर टोटल का करते तो और ज़्यादा बनता। तो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट का कैग ने अपनी रिपोर्ट में दिया, उसमें कहा था फूड सप्लाई 158 में से 62 लाख मीट्रिक टन जो है फूड सप्लाई ने खरीदा, उसमें से आधा चावल आया, आधा चावल नहीं आया, 83 लाख मीट्रिक टन 0.83 लाख मीट्रिक टन चावल आना था और 0.44 लाख मीट्रिक टन आया। ये किस वर्ष के आंकड़े दे रहे हो आप? 2010 से 2015 की दे रहा हूँ, कैग की रिपोर्ट है ये, तो ये कैग की रिपोर्ट बता रहा हूँ। 10 से 11, 11 से 12 इस तरह बताओ ना, 10 से टोटल की बताओ। ये कह दिया कांग्रेस के वजह से, कह दिया अरे लिख रखा ड्यूरिंग 2010-2015 158.66 लाख मीट्रिक टन पैडी वाइज रिकॉर्ड इन द स्टेट फॉर सेंट्रल ऑफ दिस 61.93 लाख मीट्रिक टन पैडी वाइज रिकॉर्ड एफएस 2010 से 2015 नंबर वन। आप मेरे से कोई बात करेंगे तथ्यों में बात करेंगे, वैसे नहीं बात। नंबर वन, नंबर टू, इसलिए मैं आपको, क्योंकि मालूम नहीं है आपको, पता नहीं है, मैं तथ्यों के बगैर बात करता। नंबर वन। नंबर टू, जो ऑडिट ने पाया, ऑडिट ने तीन बातें पाई इसमें। एक तो जो हम, मतलब ये सदा सदा ही चलता आ रहा है, जब हम अक्टूबर थे, जैसे आपने अपनी रिपोर्ट में बताया था ओपनिंग में, जो हम राइस लेते हैं वो जो राइस मिलर जो उनके पास चला जाता है गोदामों में, उनको पैडी चावल करके देनी होती है 31 मार्च तक।
एक बार एक साल में ज्यादा पैडी आई थी, वो भी 13-14 का इशू है, उसमें फिर उनको टाइम एक्सटेंड किया गया था, ज्यादा भी दी गई थी। इसकी 15 दिन में, हर 15 दिन में फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, वो किसकी है, जिस एजेंसी ने प्रोक्योर किया उसके हेड की, जिले की, और जो राइस मिलर है वो दोनों वहां पर जाके चेकिंग करते हैं कि कितना स्टॉक का चावल चल गया, कितना बच गया, उसका रिकॉर्ड रिपोर्ट बनाते हैं और वो हेड क्वार्टर को भेजनी होती है। कैग ने जो अपनी रिपोर्ट में पाया, कुछ मिलों में तो गए ही नहीं, कुछ मिलों में वो जो गए वो सिर्फ 2 बार गए, जबकि 25, 29, 30 बार, 35 बार ऐसे जाना था, फोर्टनाइटली जाना था, 15 दिन में एक बार जाना था। ये सबसे बड़ा एक इशू था। तीसरा इशू था कि डिस्ट्रिक्ट मिलिंग कमेटी होती है डीसी की अध्यक्षता में, वो राइस मिलर्स को चेक करते हैं, उनकी क्षमता के अनुसार राइस जो है मिलिंग के लिए देती है, एग्रीमेंट करती है। कैग ने पाया कि 6-7 मिल ऐसे थे जिनके साथ कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, बिना एग्रीमेंट के फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को पैडी देती। ये इस तरीके का एक घोटाला। मैं अगली सेगमेंट में जब आऊंगा तो और बताऊंगा, जवाब लेंगे आपसे। अत्रि साहब बोलिए। देखिए दो चीजें, पहली चीज तो ये है कि धीमान साहब ये कह रहे हैं कि ये 2010 से लेके 2015 की बात कर रहे हैं कैग की रिपोर्ट की, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो रहा है। धीमान साहब आप रुकिए, आप बोल रहे थे मैं चुप था ना, आप रुकिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत आंकड़े दे रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कैग ने 2010 से 2015 का ऑडिट किया जिसकी बात आप कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं 2013 से लेके अब तक के जो मामले हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप सुनिए, अब सुनिए ना, अब आप सुन लीजिए, सुनने नहीं, मैं आप अगर आपके आंकड़ों से चलना था तो फिर हमारे प्रवक्ता को बुलाने की जरूरत क्या थी, आप ले रहे हैं, आप मुझे भी ऐसे कर रहे थे, आप सुनिए ना दीवान साहब, सुन लीजिए, आप सुनिए दीवान साहब, आप मुझे भी ऐसे बोल रहे थे, आप सुनिए ना, नहीं क्या कह रहे थे, अगर आपको ऐसे सुनाना था फिर हमें क्यों बुलाया आपने, आपके आंकड़े देख रहे थे हमें क्यों बुलाया, आप ये कोई बात शर्मा जी सुनिए, बात ही नहीं सुनते शर्मा जी, हमने बुलाया आपने, ये डिबेट क्यों रखी फिर, आप तथ्यों की बात करो, पूरे तथ्यों की बात, फिर आप इन दे तथ्य, हमें क्यों बुलाया, इशू है वो कैग का, ये कमाल है, मैं मेरी पूरी बात, हमारी बात तो सुनो ना, मेरी सुनो, आप क्यों इशू कर रहे हैं, वो एक धान को नाला जो हुआ है, जो इशू है, दीवान साहब आप जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, आप डिसाइड करोगे कि मैं किस तथ्य पे बात करूं या किस पे ना, नहीं नहीं पहली बात सुनिए, आप दीवान साहब मैंने पहले प्यार से बात की, अब सुनिए मेरी पॉइंट पे, नहीं आप आप चर्चा को एक दायरे में सीमित करने की कोशिश कर रहे हो, 10 साल बाद क्यों दी वो, और मैं उस चर्चा को वाइड करने की कोशिश कर रहा हूं, आप कैग की बात कर रहे हो, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप गलत आंकड़े पेश कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूं कि मैं जो बात कर रहा हूं वो मैं आज तक की बात कर रहा हूं, और ये एक समाचार पत्र की रिपोर्ट है 2013 से लेके आज तक के बारे में, पहली चीज। दूसरी चीज, लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं, मैंने आपके तथ्य को गलत तो कहा ही नहीं ना, आप सुनिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं उसको थोड़ा सा दायरा बढ़ा रहा हूं, बढ़ सकता है, ठीक है ना। अब दूसरी बात, आपने एक बात कही कि जिन बातों का जिक्र मैंने किया था, जब कैग की ऑडिट रिपोर्ट आएगी तब उसके ऊपर चर्चा, देखिए सर, नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा था कि वो और घोटाला सामने आएगा, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। तो अब जब हम चर्चा कर रहे हैं, जब हम किसी भी मुद्दे पे चर्चा करते हैं तो हम उस मुद्दे को सीमाओं में नहीं बांधेंगे, हम उसके खुल के चर्चा करेंगे कि अगर घोटाला, ये घोटाला क्यों हुआ और घोटाले में कौन कौन लोग संलिप्त थे। और दूसरी बात ज्योति, ये कोई पहला घोटाला नहीं है, ये तो मैं अक्सर कहता हूं कि एक लंबी फहरिस्त है, किताब लिखी जा सकती है वर्तमान सरकार के घोटालों की, और मैं यहां पे तथ्यों के साथ अभी आपको दूंगा। जब हम धान खरीद घोटाले का जिक्र करते हैं तो हम जिक्र करते हैं वो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा घोटाला जो नमी के नाम पे किसानों से पैसा लूटा गया। जब हम धान खरीद घोटाला का जिक्र करते हैं तो हम वो गेट पास के घोटाले का जिक्र जरूर करते हैं जहां पे किसान के साथ धोखा हुआ। जब हम धान खरीद घोटाले की बात करते हैं तो हम उस बात का जिक्र भी करते हैं जब भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक 50-50 रुपए प्रति क्विंटल उगाही कर रहा था किसान और व्यापारियों से। जब हम धान खरीद घोटाले की बात करते हैं तो हम उस घोटाले की बात भी करते हैं जब कुछ मिलर दूसरे प्रदेश से घटिया क्वालिटी का धान लाके सरकार के, चलिए राइस जो मिल है उनका क्या पक्ष है एक बार के लिए जान लेते हैं। हंसराज है हमारे साथ फोनलाइन पर इंतजार कर रहे हैं पहले कमेंट के लिए। हंसराज जी, आप लोगों पर आरोप लगे हैं कि चावल जो आप लोगों को वापस देना था विभाग को वो खा गए आप लोग। हंसराज पहले मेरी बात सुनिए, पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये कोई घोटाला नहीं है, ये मौसम से जुड़ी हुई और बिजनेस के नफे नुकसान की बात है, पहले नंबर पे घोटाला नहीं है। दूसरी बात ये, मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। वर्ष 13-14 में मंडियों में जब धान था उस टाइम से बारिश आ गई थी और कुछ किसान के खेत में था, तो सरकारी दबाव के कारण हुड्डा जी की सरकार थी तो हमें वो पैडी उठानी पड़ी, जबकि वो मंडियों में पूरी भीग चुकी थी।
जब हमने उसको संभाला और उसके बावजूद जब एक महीने बाद उसकी मिलिंग करी गई उस पैडी की, तो उसमें से डैमेज चावल निकला। तो मुख्यमंत्री जी ने अपने नोट भेज के एफसीआई से एक कमेटी गठित करवाई कि हमारी पैडी इस बार भीग चुकी है और इसके लिए हमें डैमेज की छूट दी जाए। भारत सरकार ने एक कमेटी वहां से गठित करके भेजी जिसने हरियाणा के सभी स्टेशनों पे उस पैडी का मुआयना किया और उसमें 4-5% डैमेज की मात्रा पाई गई। इस पूरे प्रोसेस को होने में 3 महीने लग गए, हमें 1 जनवरी से चावल लगने का टाइम। क्या अभी सरकार और मंत्री जी गलत कह रहे हैं? सुनिए एक बार के लिए कि घोटाला हुआ है और करीब 40 लोगों पर जो कि राइस मिल से जुड़े हैं। सुनिए, आप लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है, फिर सरकार का जो पक्ष है क्या की रिपोर्ट सामने आने के बाद क्या वो गलत है? उसी बात पे आपको लेके आ रहा हूँ जी। घोटाला नहीं है, घोटाला वो होता है जो सोची समझी चाल से होता है। ये बिल्कुल छोटे छोटे व्यापारी थे, इनके पास पूरे साधन नहीं थे, सरकार ने टाइम नहीं दिया के चावल लगवाने का, वो बड़ी बड़ी पैडी खराब होगी और उस चीज को। और एक दूसरी बात और है, हर राइस मिल का पूरी एग्रीमेंट के साथ, पूरी गारंटी के साथ, पूरे चेक उसके दे के अपनी प्रॉपर्टियां गिरवी रख के उसका सारा सिस्टम के अनुसार पैडी ली गई है। ऐसा किसी व्यापारी को मतलब बेईमान ठहराना या उसको कुछ भी करना, एफआईआर दर्ज कराना, ये भी बिल्कुल गलत है। व्यापारी के खिलाफ आप सिविल सूट कर सकते हैं, लेन देन का मसला है ना के कोई, ये किसी की नीयत खराब नहीं है इस इंडस्ट्री की। ये जो राइस मिल इंडस्ट्री है, ये भी आपके हरियाणा की जनता से, आपके किसान से जुड़ा हुआ मसला है। किसान के गिल्ले सूखे हर धान को हर मौसम में इसको संभालता है ये। ज्योति, दो चीजें हुई। एक, अगर ये बात जो डॉक्टर धीमान ने कही वो एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते उन्होंने कैग की रिपोर्ट को सामने रखते हुए कही थी, अगर इस बात को मैं कहता तो शायद मेरे विरोधी दल जो है वो इसी प्रकार झपटते और झपटे जिस प्रकार से वो दीमान साहब के ऊपर झपटे थे। उन्होंने कैग के आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए बताया कि ये इस प्रकार की एक घटना है और कैग की घटना को ध्यान में रखते हुए किया गया था, पहली बात। दूसरी बात जो इन्होंने कही, घोटालों की सरकार की बात करेंगे तो कांग्रेस में कितने घोटाले हुए इस बात को जगजाहिर सी बात है। तीसरी अहम बात के प्रवीण अत्रे जी ने बड़े अदब के साथ कहा कि 10-12 हजार करोड़ का पहले भी घोटाला हुआ है, उसके किसी भी प्रकार के कोई भी तथ्य ना तो आज तक सामने आए ना इन लोगों के माध्यम से जो बातें हुई। और एक और चीज बात, इन लोगों के मुख से इस प्रकार की बातें सुन के तो और भी हैरानी होती है। अभी आप लोगों ने बड़े ध्यान से देखा होगा कि इनके पूर्व मुख्यमंत्री जो जेल में बंद है, बाहर आकर के पब्लिक के बीच में, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए ज्योति, नहीं नहीं ज्योति सुनिए, एफआईआर जो दर्ज करवाई जा रही है उस पर ज्योति देखिए गलत बात, मेरा अनुरोध है जवाब दे दीजिए उसका, हाँ उसका भी दूंगा। मैंने कहा कि वो व्यक्ति जनता के बीच में आकर के पूर्व मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ईब के तुम हमने साथ दे दो, 7 पीढ़ियों का जुगाड़ करूंगा, इसका भी प्राय क्या निकलता कैसे निकलता मैं ज्यादा नहीं जान पाऊंगा, प्रदेश की जनता समझ लेगी और जान लेगी। जो अब को जस्टिफाई कर देंगे? नहीं, मैंने ये कहा जस्टिफाई कर ही नहीं रहा हूं। जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। एक तरफ तो धीमान साहब ने कहा कि ये इनके समय का घोटाला नहीं है, राइस मिलर ने कहा कि ये घोटाला ही नहीं है, सिर्फ पेमेंटों का आदान प्रदान है। तीसरी और अहम बात, जिस पे मैं आ रहा हूं ज्योति, एफआईआर दर्ज करवाना सरकार के रेवेन्यू के लॉस के लिए जो लोग जिम्मेवार हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, ये सरकार का फर्ज बनता है। 300 करोड़ का जो ये घोटाला हुआ है, ये जो पूरा ही मामला है उसको लेकर एक्शन लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ज्योति दो चीजें हैं। पहली चीज तो जब हम कहते हैं 10,000 करोड़ रुपए का धान खरीद, जब हम 10,000 करोड़ रुपए धान खरीद घोटाले का आरोप लगाते हैं तो सरकार पक्ष ये कहता है तथ्य है, हमने आपको कागजों पे बाकायदा तथ्य दिए, एड्रेस दिए, कंप्लेनेंट के फोन नंबर्स दिए, अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है जांच करवाए। जब सरकार जांच ही ना करवाएगी तो तथ्य कहां से है? तो सरकार जांच से भागती क्यों है, बचती क्यों है, ये बताएं पहले। दूसरी बात, 2015-16 में करनाल के अंदर 2 मिलर्स ऐसे थे जो डिफॉल्टर्स थे, उन 2 डिफॉल्टर्स को दोबारा से धान क्यों दिया गया मिलिंग के लिए, ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे। जो आप जिस रिपोर्ट की चर्चा कर रही हैं ज्योति, उसके अंदर जो एफआईआर लॉज हुई है उसके अंदर जिला करनाल की सबसे ज्यादा एफआईआर, बिल्कुल
जिला करनाल किसका है? मुख्यमंत्री जी का। खाद्य आपूर्ति मंत्री वहीं से आते हैं, उनकी नाम और के नीचे। आपको तो याद होगा अक्सर सरकार के एक सीपीएस के राइस मिलर का केस एफआईआर लॉज हुई थी। कौन है सरकार में बैठे वो सीपीएस, किस जिले से संबंधित है वो सीपीएस, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताएंगे। केवल लूट करके, केवल प्रदेश के संसाधनों को ही लूट करके आप ये कह के बच जाएंगे कि कैग ने कहा है कि ये घोटाला नहीं है। अरे साहब, कैग ने तथ्य दिए हैं, कैग ने जो कहा है वो स्पष्ट लिखा हुआ है कि 2010 से 2015 के ऑडिट रिपोर्ट के अंदर सरकार के धान की लूट हुई है, लिखा है कैग ने ये लूट हुई है। और आगे जो लूट है उसका हमने बताया कि ये लूट हुई है, और आप जांच करवा लीजिए, तथ्य आपके सामने आ जाएंगे, सच्चाई आपके सामने आएगी। जांच से भागते क्यों है भाई? जांच से मैं बोलूं नहीं, अगर आपका खत्म हो गया होता त्रिजी, इन्होंने खुद कहा इस बात को कि 10 से 15 के बीच का मामला है। अरे ये तो दीवान साहब की बात कर रहा हूं, आप भी तो कह रहे हो। मैं तो दीवान साहब में तथ्य रख रहा हूं आपके सामने, मैं तो आज जरूर रिपोर्ट में कहा गया है, ठीक है, आज तक ऑडिट रिपोर्ट है, पहले क्या हुआ आपने सारा लिया, दीवान साहब आज सालाना आती है, सालाना नहीं आती है, ये 5 साल की कथी है, आपको ऑडिट के बारे में पता नहीं है, आपको ऑडिट के हां आएगी, आएगी आप ये ना, अब ये ना कहना बड़े इतने सीनियर हैं कि कांग्रेस के घोटाला हुआ, बस यहीं तक सीमित रखेंगे, अपनी समझों की बात है, बस इतना ही है। मैं ये कह रहा हूँ 2010 से 2015 का मामला, जिसकी सरकार थी किसकी सरकार थी वो कोई बात ही नहीं, और आपकी सरकार में मुकदमे तक तो ऐसा नहीं है, वो तो कांग्रेस तो बड़ी ईमानदारी से काम करती है ना। आपने भी कहा कि रिपोर्ट भी है, क्या उसके लिए जवाबदेही आप लोगों की नहीं है? बिल्कुल जवाबदेही बनती है। ये जो बात अत्रे जी ने कही कि उन फर्मों को जिनको डिफॉल्टर कर दिया गया था उनको चावल दोबारा दिया, ऐसा बिल्कुल गलत तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, गलत बात कह रहे हैं। देख लीजिए सरकार का विधानसभा में दिया जवाब है ये उस, ये पे। फिर मैं यही कह रहा हूँ, आप वो फर्मे, वो फर्मे ये दीमान साहब को दिखा दो, दीमान तथ्यों को नहीं जुटलाने वाली बात। मैं वही कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से जो समय की बात कर रहे हैं, जो घोटाला हुआ और सरकार ने जो रेवेन्यू लॉस हुआ, उस रेवेन्यू लॉस के लिए जिम्मेवार अधिकारियों को अंडर रूल 7 चार शीट किया बर्खास्त कर रहे हैं, जिन मिलर ने गड़बड़ की उनको पकड़ के और जिन मंत्री जेल में लगा रहे हैं, जिनकी बैंक गारंटियां थी, और मंत्री जी ने क्या कहा, मंत्री जी ने क्या किया, चावल की वापसी नहीं हुई, मिलिंग होकर 46,000 उसके बाद नहीं दिया ज्योति, सरकार ने कहा कि जो मंत्री सरकार ज्योति सरकार के अगर नियम कायदों की बात करोगे और जो तरीका है उसमें सरकार की तरफ से फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट मिलर को देता है, अगर मिलर उसको नहीं दे रहा तय सीमा के बाद तो उसके विरुद्ध कार्रवाई बनती है। ये तय सीमा कब होती है? 2013 से 16 तक आ जाती है। 31 मार्च को तय सीमा हर साल 31 मार्च है, उसका उसके लिए इंतजार कितना करेंगे एक्शन का, वो सवाल है अपने आप में कि तय सीमा एक्शन लिए जाने की कब तक है। देखिए मैंने ये कहा आपको एडजस्टमेंट करनी थी, 31 मार्च एडजस्टमेंट करने वाली तो सरकार ही नहीं है शर्मा जी, एडजस्टमेंट करने वाले लोग जेल में हैं और दूसरे दिन उन्होंने एडजस्टमेंट की है वो जेल में जाने की तैयारी में। आपके पास जनता जनार्दन राष्ट्र की सेवा करते हुए जेल में गए, राष्ट्र की सेवा करते हुए जेल में गए क्या? एक षड्यंत्र, मैं ये कहता हूँ क्या वो राष्ट्र की सेवा करे? सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हो आप, सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच तक ने आपको अरेस्ट कर दिया, फिर आप कहते हो राजनीतिक व्यक्ति तो देखो उसको तो सीमा नहीं बांधा जा सकता है, वो तो 2018 तक की बात करेंगे, अत्रे हो चाहे शर्मा जी हो। मैं जो बात कहना चाहता 300 करोड़ की, मेरा विषय सिर्फ वहां तक सीमित था, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आप 2018 तक की बात ना करो अत्रे साहब, शर्मा जी ना मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं इस घोटाले की बात जिसको घोटाला कहो या कम पैसा कहो कम चावल भेजा उसकी बात कहो, ये जिसके 300 करोड़ रुपए जो बना है वो 115 करोड़ रुपए का चावल एक और 24.50 का करोड़ का एक चावल, इसके ऊपर इंटरेस्ट लग के दंड लग के ये 300 करोड़ का बना। हम 300 क्योंकि आपका संकेत 300 करोड़ का है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं इनको ये नहीं कह रहा कि 2015-16 में जो धान खरीदा गया था, जो हमारा जिसको हम बासमती दूसरी बासमती बोल सकते हैं, जिसकी अत्रे साहब बार बार जिसकी बात कर रहे हैं, शर्मा जी जिसकी बात कर रहे हैं, वो अभी हमारी कैग की रिपोर्ट में नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था
जो इतना बड़ा इशू बन गया वो इशू नहीं था। वो आप कर सकते हैं, आपकी सपोर्ट ले ली ना डूल साहब ने, आप तो इसीलिए मैं तो इसलिए क्लेरिफाई कर रहा हूं अकेले, पर वो आपकी सपोर्ट लेके एकदम मेरा विषय जो हो गया उनको, चलो हम तो कुछ कर रहे हैं, आप ले लो सपोर्ट। हां रुको शर्मा सुनिए सर, सुनिए इशू ये है, 115 करोड़ का एक, 24 25 करोड़ का एक, 140 करोड़ का ये मामला है जिसपे 50% का इंटरेस्ट लगता है, जुर्माना लगता है और फिर इंटरेस्ट लगता है। बीजेपी सरकार ने क्या किया जिसपे मेरे ये दोनों मित्र अत्रे साहब और शर्मा जी खुश हो सकते हैं, इसमें नियम ये था कि जितना कोई राइस मिलर भी हमारे पास है साथ में फोन पे जुड़े हुए हैं, 50% का जुर्माना था, 50% का। लेकिन सितंबर 2015 में सरकार किसकी थी आप अंदाजा लगा लो, सरकार ने वो घटा के 10% कर दिया। ये बड़ी बात है अपने आप, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ। लेकिन क्योंकि वो उसके बाद क्या जो राइस बनता था उसका वो एक ही साल का लगा, उससे पहले का 50% लगा हुआ है, इसलिए वो 300 करोड़ बन गया। अब इश्यू यह है कि कैग, क्योंकि कैग खाली इसी की नहीं, हर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देती है, वो रिपोर्ट पे सरकार चाहे तो एक्शन ले सकती है। वो सरकार सामान्य तौर पर ऐसी रिपोर्ट्स हमारी जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी विधानसभा की होती है उसके पास जाती है। डिपार्टमेंट ने 16 FIR तो उसी वक्त करा दी थी जब कांग्रेस सरकार थी, उसी वक्त ही अफसरों ने इन राइस मिलर्स के खिलाफ करा दी थी, लेकिन कुछ के खिलाफ नहीं कराई थी। जब PAC में जो ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं वो उसके अध्यक्ष हैं, जब ये डिपार्टमेंट से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ एफ आई आर क्यों नहीं हुई, जो उसके मेंबर और भी हैं, MLAs हैं। तब अब जाके उस ये रिपोर्ट अभी हमारे बजट सेशन में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें तीन जगह पर कहा गया है कि राइस मिलर्स के खिलाफ FIR दर्ज करो, जिन अफसर के खिलाफ अंडर रूल 8 किया था, बहुत माइन्यूटली जो दंड है, कम दंड मिलता है, उन्होंने कहा इसको अंडर रूल 7 जिसमें बर्खास्त हो सकते हैं। अभी आगे बढ़ेंगे ढोल साहब, 50 से 10 फीसदी क्या राहत के दरवाजे खोले गए क्या, बहुत छोटा जवाब दीजिएगा। ये है बड़ा विषय, नहीं राहत के दरवाजे नहीं खोले गए ज्योति। यहाँ भी जिस प्रकार से व्यापारियों के साथ एक उनके प्रति सिंपैथेटिकल रखना चाहिए सरकार को, उसके नाते उनका प्रतिनिधि मंडल मिलने के लिए मुख्यमंत्री जी से आया और उन्होंने कहा चूंकि बारिश के दरमियान हमारे यहाँ पर जो धान गीला हो गया है उसके कारण पैसे का लेन देन और ये चीजें हैं, तो उसकी राहत देने के लिए उनको इस प्रकार का एक प्रावधान किया गया था। ये कोई रास्ता नहीं था किसी भी रूप से, इस अगर ये बात होती के पीछे तो सौदा हुआ क्या, FIR दर्ज क्यों करवाते, अगर ये बात होती तो कोई भी राइस मिलर आज तक सामने आकर के ये क्यों नहीं कह रहा कि फलाने मंत्री ने फलाने आदमी ने हमारे से ये पैसा लिया या हमारे को लाभ दिया। नहीं तो राइस मिलर्स के साथ साथ अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है इस मामले में, लेकिन सरकार क्या कर रही थी, विभाग और मंत्री जी क्या कर रहे थे, ये बड़ा सवाल है जिसको लेकर चर्चा कर रहे हैं एक खास पैनल के साथ। ढोल साहब सवाल आपसे ही है कि सरकार की जवाबदेही क्यों नहीं है और मंत्री जी से सवाल क्यों ना पूछे जाए जब विभाग रिकवरी नहीं कर पाए। देखिए अभी मेरी बीच में मंत्री जी से बात हुई थी ब्रेक के दरमियान, तो मंत्री जी ने इस चीज को स्पष्ट किया है और कैग की रिपोर्ट में भी इस चीज का हवाला है कि जो 50% से पेनल्टी 10% की गई थी उसके पीछे जो कारण थे वो ये थे कि एक पूरे हरियाणा का व्यापारियों का प्रतिनिधित्व मंडल आकर के मिला था और उसके आधार पर चूंकि हम लोग राजनीतिक पार्टी हैं हमें प्रदेश के हर वर्ग का हर व्यक्ति को समान रूप से देखना है, उस वक्त उनकी जो मांग लगी वो जायज थी और इसलिए उसको पेनल्टी को कम किया गया था। दूसरी बात जो अहम थी कि जो प्रवीण अत्रे जी ने कहा कि दो ऐसी भी फर्में थी कि जिनको डिफॉल्टर होने के बावजूद मार दिया गया, इस बात पे भी मैं उनकी बात को इनकार नहीं करता हूं, जो पहले मैंने कहा था कि नहीं किया वो मैं अपने तथ्यों को सुधारता हूं, किया गया। उसके पीछे मंत्री जी से जो बात हुई उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस प्रकार की कमेटी होती है और जिसका चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होता है, तो उस आधार पर पूरी जानकारी सरकार तक आते आते समय लगता है क्योंकि वो लोग वहीं पर फैसला ले लेते हैं, उसकी रिपोर्ट आने में सरकार तक, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाता है उसके बाद की जवाबदेही भी तो सरकार को है ना। हाँ यही तो मैंने कहा, और इस आधार पर जब ये सारी चीजें आज क्लियर हो रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो ऐसे उन अधिकारियों के खिलाफ जिन लोगों ने उस वक्त मिलर का साथ दिया था सरकार के विरोध में थे और सरकार का वित्तीय नुकसान हुआ है, उन सब के खिलाफ बर्खास्त तक की तैयारी है और उन सब मिलरों को भी जिन्होंने सरकार को रेवेन्यू का लॉस किया उनके विरुद्ध मतलब उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया और उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी और उनकी प्रॉपर्टीज को जो उनके गारंटर थे उनकी प्रॉपर्टीज को भी चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दे, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रखी है चंडीगढ़ से, जहां डेलीगेशन एक पंचायत का और साथ ही सरपंचों और ग्राम सचिवों का सीएम के साथ मुलाकात करने को पहुंचता है और धक्के मारकर उन्हें बाहर निकाला गया। तो बड़ी खबर आपको दे रखी है
चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको दे दें, पंचायत प्रणाली जो सिस्टम जो लागू किया जाना है 1 अप्रैल से, जिसकी घोषणा भी सरकार की ओर से की जा चुकी है, उसको लेकर सरपंच साथी ग्राम सचिव मुखालफत कर रहे हैं। सीधे तौर पर सड़कों पर वो आ गए हैं, मुखर नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम आवास के घेराव की कोशिशें की गई थी। इसी बीच एक डेलीगेशन को बुलाया जाता है और जब डेलीगेशन सीएम से मुलाकात के लिए पहुंचता है तो उसे धक्के मार के बाहर निकाला जाता है। तो सीएम से मुलाकात करने गए थे ये बात पहुंचाने की ई सिस्टम लागू ना किया जाए, ये प्रणाली जो लागू की जानी है उसे लागू ना किया जाए, उसके खिलाफ ये लोग लगातार सड़कों पर हैं और जब तक सरकार फैसला वापस नहीं लेगी तब तक सड़कों पर रखेंगे, कामकाज को बंद कर दिया जाएगा, ठप कर दिया जाएगा। सरपंचों को सीएम आवास से बाहर निकाल दिया गया, पुलिस बल का प्रयोग किया गया। आपको बता दें कि इससे पहले भी पंचकुला से चंडीगढ़ आने की कोशिशें इन लोगों की ओर से की गई थी। विजेंद्र है हमारे साथ, सरपंच फोन लाइन पर जुड़े हैं, आपका स्वागत है खबरें अभी तक में, और ये पूरा मामला क्या रहा आपकी जुबानी जानेंगे। तौर पे हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री जी ने अपमानित किया जी। आज सारे हरियाणा के सारी पंचायतें सारे सेक्टरी इकट्ठे हुए थे यहाँ, हम सरकार से बात करना चाहते थे, उनको ज्ञापन देना चाहते थे। हाँ। सरकार ने हमारी हमारे धरना स्थल पर हमारी बात नहीं सुनी, ठीक है, हमें घेराव पे स्थल पे कोई मिलने नहीं आया। लेकिन बाद में हमारे कुछ आदमियों को बुलाया गया, हमारे 45 सरपंच सीएम साहब को मिलने उनके कोठी पे गए थे जी। वहाँ पे हमें पहले आधा पौना घंटा वेट कराएगी, फिर सीएम साहब आए। हाँ। उन्होंने कहा कि आपकी बिना सोचे बिना पूछे हमारी मांग को, उन्होंने बोला कि आपकी मांग को रिजेक्ट किया जाता है और मैं आपके मांग पत्र को खारिज करता हूँ, क्योंकि आप सरपंचों ने सेक्टरी का साथ दिया। रिवाड़ी में एक सेक्टरी को सस्पेंड किया गया था, आपने उसका साथ क्यों दिया? हमारे सरपंच भाइयों ने कहा कि हमारा पंचायत का एक परिवार है सेक्टरी और सरपंचों का, इसलिए हमने उनका साथ दिया था, उसके साथ गलत किया गया था इसलिए हम उसके साथ थे। सीएम साहब ने कहा कोई बात नहीं, तो वहाँ सरपंचों ने कहा कि आप हमारी मांग मानिए, बातचीत होगी। और सीएम साहब ने तभी सारे उनको बुलाया, सिक्योरिटी वालों को, फिर सारे सरपंचों को बाहर निकालो जल्दी जल्दी जी। सीएम की ओर से बात कही गई शर्मा जी, क्या सीएम ने खुद कहा कि इन लोगों को बाहर निकालिए, जिस डेलीगेशन को खुद सीएम बुलाते हैं? सिक्योरिटी वाले ने ठहरा सारे सरपंच हमारा बाहर, हमारे मेल का बहुत बेइज्जती कर रही जी। क्या सीएम ने आपकी मांगों को सुना कि मांगे क्या कुछ है? अगर आप लोगों को ये फैसला मंजूर नहीं है तो क्यों नहीं है, इस बात को सुना गया? बिल्कुल नहीं सुना, सीएम साहब ने रास्ते ही हमारे मांग पत्र को देखा भी नहीं, ज्ञापन भी देखा पढ़ा भी नहीं, उन्होंने रास्ते ही ये बात बोली कि आपकी मांग को रिजेक्ट करता हूँ, मैं खारिज करता हूँ जी। हमारे चलिए अभय चौटाला साहब है हमारे साथ, नेता प्रतिपक्ष फोन लाइन पर जुड़े हैं। चौटाला साहब बहुत स्वागत है आपका। फिलहाल जिस तरह से सरपंचों के डेलीगेशन को सीएम आवास से बाहर निकाला जाता है, खुद सीएम कहते हैं कि इन लोगों को बाहर निकालिए, उस पर आपका कमेंट क्या है? ये केवल सरपंचों के डेलीगेशन को नहीं जी, एक दफा हम एमएलए का एक डेलीगेशन लेकर के इनके पास गए थे। हाँ। इन्होंने हमें भी अपने हाउस में घुसने अंदर जाने देने की बजाय हमें बाहर फोर्सली पुलिस फोर्स के साथ रोका गया, उनसे कहा गया कि आपकी तलाशियां ली जाएगी। हाँ। आज सरपंचों को पहले तो वहाँ पे बुलाया इन्होंने और बुला करके 2 घंटे सरपंचों को बैठा करके अपमानित किया, और उसके बाद मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री दोनों बाहर आए और बाहर आकर के उन्होंने जिस तरीके का बर्ताव इन सरपंचों के साथ किया, चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ किया, जिस तरह से घर में बुला करके इनको बेइज्जत किया, उसके लिए मुख्यमंत्री को तुरंत अपनी इस तरह की जो मुख्यमंत्री ने अपने आवास पे बुला करके इनको बेइज्जत किया, उसके लिए मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, सरपंचों से भी माफी मांगनी चाहिए, प्रदेश की जनता से भी माफी मांगनी चाहिए। हाँ। लोगों ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को तानाशाही बनाया, राजा नहीं बनाया जी। मुख्यमंत्री लोगों ने वोट देकर के मुख्यमंत्री इसलिए चुना है कि वो आम आदमी की दिक्कत और कठिनाई है उसके बारे में उससे चर्चा करके उसका समाधान करे, अगर समाधान ना कर सके तो इनको ये अधिकार किसी ने नहीं दे रखा कि ये उनको फोर्सली ये कह करके कि पुलिस फोर्स बुलाई जाए और इनको धक्के मार के बाहर निकाला जाए। बिल्कुल, ये इस तरह का बर्ताव जो है मुख्यमंत्री के लिए ठीक नहीं, अच्छा नहीं। इसका मतलब तो ये है कि मुख्यमंत्री इस प्रदेश की जो प्रदेश जिस प्रदेश को बर्बाद करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और चौटाला साहब दिलचस्प बात ये भी है, मुख्यमंत्री को चुने हुए लोगों को जी इस तरह से बेइज्जत करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। सीएम मांगे सुनते नहीं है, सीएम कहते हैं कि मांगे खारिज की जाती है, रिजेक्ट की जाती है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नहीं, मुख्यमंत्री को कम से कम अपने घर पे किसी डेलीगेशन को बुला करके बेइज्जत करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। बिल्कुल, मुख्यमंत्री
अगर उनकी किसी बात को ना सुनना चाहता था तो मुख्यमंत्री को अपने घर नहीं बुलाना चाहिए था, घर में बुला करके धमकाने, मतलब किस तरह का व्यवहार किया, किस तरह से धमकाया गया सरपंचों को, सरपंचों के साथ साथ जो सचिव जो गए थे जो यूनियन उनके लिए, उनको किस तरह से इन्होंने धमकाया। इनको कहते हैं कि या तो तुम अपना ये जो एजिटेशन है खत्म कर लो, वरना हमें आप लोगों से सल्टना आता है। इस मुख्यमंत्री इस प्रदेश के लोगों को तीन दफा इस प्रदेश को हाथ के हवाले करके दहशत फैलाई, आज भी ये मतलब इस तरह का बर्ताव करते हैं जैसे कोई राजे महाराजे हैं। इस तरह से तो राजा महाराजा भी बर्ताव नहीं करता था, मुख्यमंत्री को अपनी आदत को सुधारना चाहिए। ठीक है, अभी नेलो का स्टैंड क्या है फिलहाल इस एपिसोड के बाद? इस मामले में हम सरपंचों, अगर कल सरपंच वहां पे रहे तो कल हम जाएंगे उनके पास और जा करके उनसे कहेंगे कि हम आपके इस एजिटेशन में आपके साथ हैं और तब तक आपके साथ खड़े रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री को अपनी बात पे शर्मिंदगी ना हो। जी बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। शर्मा है हमारे साथ, सरपंच भी फोन लाइन पर जुड़े हैं। विजेंद्र शर्मा, आप लोगों की रणनीति क्या है आगे, बहुत छोटा जवाब दे दीजिए। हम पहले तो धन्यवाद करते हैं नेता प्रतिपक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का हमें समर्थन देने के लिए, हम इनका दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारी कल की अगली रणनीति है टोटल हरियाणा के अंदर जितने हमारे ब्लॉक हैं उनकी हम तालाबंदी कर देंगे। सरकार का कोई भी आदमी एमएलए मंत्री कोई गांव में बीजेपी का वर्कर का किसी का उद्घाटन नहीं होने देंगे। सरकार के सारे कार्यक्रम फेल करेंगे और इसका विरोध करेंगे और कल से सारे ब्लॉकों में ताले लगा देंगे। ये फैसला हमारी कमेटी ने ले लिया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपने आप में ये शर्मनाक जरूर हो जाता है कि सीएम आवास में सीएम जो कि इनका पक्ष है, जो कि पंचायतों का सरपंचों का कहना है कि बिना पक्ष सुने खारिज कर दिया गया मांगों को। चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे राइस मिल को लेकर, और साथ ही राइस को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं कि चावल वापस नहीं आता, विभाग क्या कर रहा था, सरकार क्या कर रही थी। हंसराज है हमारे साथ फोन लाइन पर। हंसराज आप सुन पा रहे हैं मुझे? हंसराज आवाज मिल पा रही है आपको? जो अभी ढोल साहब ने कहा कि जो भी अधिकारी संलिप्त रहे जिन्होंने जानकारी विभाग को सरकार को आगे नहीं भेजी, जिनकी मिलीभगत रही उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, राइस मिल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, बोले। ठीक है बिल्कुल सही है जी भाई, बिल्कुल सही बात है जी। मगर थोड़ा सा एक बात राइस मिलर की बात ध्यान में रखें कि हमारे हरियाणा में जो तीन चार साल से पैदावार एकदम से डबल हो रही है, जो पैदावार हो रही है उसके लिए हमारी ऐसी भारतीय खाद्य निगम के पास पूरे प्रबंध नहीं है, इसलिए हमारे चावल की डिलीवरी के लिए हमें कम से कम 9 महीने चाहिए, जो कि भारत सरकार ने हमें 30 दिन तक का टाइम दिया है। मगर हमारी हरियाणा गवर्नमेंट हमें वो 31 दिन तक प्रेशराइज करती है, जो कि हम दे नहीं पाते। आज भी भारतीय खाद्य निगम के पास कोई भी जगह नहीं है चावल लगाने के लिए, जिसकी सजा राइस मिलर भुगतता है। और जो मसला 13-14 का, मैं उसके लिए आपका एक मिनट आधा मिनट लूंगा। 13-14 में जब भारत सरकार ने डैमेज का 3 से 4 पॉइंट किया था, उसका खामियाजा भी राइस मिलर भुगत रहा है। हर राइस मिलर के ऊपर 1 पॉइंट का कट लग गया, जबकि मजदूरी 10 रुपए क्विंटल मिलती है, हमारे को भरना पड़ गया उसका 50 रुपए क्विंटल। वो भी हमारा ये अनुरोध है, हमारी एक दरखास्त है मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कि हमारा जो 13-14 का डैमेज का जो हमारे ऊपर बोझ पड़ा हुआ है वो भी हमारे राइस मिलर का अदा किया जाए। ये अदा कौन करे, सरकार करे? सरकार करेगी जी, क्यों नहीं करेगी। जब भारत सरकार ने एडमिट किया हुआ है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 3 नोट भेजे हैं भारतीय खाद्य निगम को, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है, मंजूर किया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, राइस मिलर आपका इतना ईमानदार है, देखो इतना बड़ा परिवार है, इसमें कोई 1-2% 1-2 आदमी हो सकते हैं, वो भी मेंटली नहीं है। ये बिजनेस का पार्ट है, नफा नुकसान ये होता है और वो देनदार है। ये सिर्फ नफा नुकसान है, ये सिर्फ नफा नुकसान है। अगर डिफॉल्टर भी इस तरह से बिलिंग के लिए राइस लेते रखी है, क्या ये घोटाला, ये धांधली नहीं है, ये मंशा के साथ किया गया काम नहीं है? बिल्कुल ईमानदारी से आपका एक एक चावल का दाना वो व्यापारी अपने राइस मिल बेच के अपने मकान बेच के देने को लिए तैयार है। हम हर मिलर को कह भी नहीं सकते, ठीक है, बीच में 2-4-5 ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं। एक बात का जो अभी जिक्र हो रहा था मैं उस पर जरूर कहूंगा, जैसे राइस मिलर का नुकसान ना हो, मैं एक एग्जांपल दूंगा। जिस तरह से धान के अंदर नमी के नाम पे किसान का पैसा काटा गया था, हमने आवाज उठाई थी, उस वक्त भी मुख्यमंत्री जी को अभय सिंह जी ने बताया था कि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार के दौरान
किसान का नमी का पैसा नहीं कटता था और उसका नुकसान व्यापारी को भी ना उठाना पड़े, उसके लिए बाकायदा सरकार ने उसका भार वहन किया था। और ये सरकार कर सकती है, पहली बात। दूसरी बात, अभी ढुल साहब ने एक बात का जिक्र किया था कि सरकार देखिए हर वर्ग का ख्याल रखती है, इसीलिए सरकार ने प्रतिनिधि मंडल बुलाया था और उनका जो जुर्माना 50% था उसको 10% कर दिया उनकी मांग को मानते हुए। ढुल साहब ऐसा भी कह रहे थे, कितना बड़ा दिल है मुख्यमंत्री जी का। लेकिन जब किसान जाता है मुख्यमंत्री जी के पास, वो कहता है कि साहब मेरा सरसों 4000 रुपए एमएसपी पे नहीं बिक रहा, सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई, प्राइवेट जो खरीदारी है और मुझे 2200 में बेचने मजबूर होना पड़ रहा है, तब मुख्यमंत्री जी का जो बड़ा दिल है काम नहीं करता। अभी आप जो दिखा रहे थे सरपंचों को घर पे बुला के बेइज्जत कर दिया गया, तब मुख्यमंत्री जी के बड़े दिल ने काम नहीं किया। लेकिन किसान जब किसान मांग करता है तो बड़ा दिल काम नहीं करता, लेकिन जिन पे जुर्माना था उनको घटाने के लिए 10% कर दिया, ठीक है। लेकिन किसानों के बारे में भी सोचिए, बाकी वर्गों के बारे में भी सोचिए, वहां पे आपका बड़ा दिल काम नहीं करता। फिलहाल अभी दोनों पक्षों को आपने सुना, जो राइस मिल है उनका क्या पक्ष है उनको आपने सुना, हंसराज को सरकार जो कह रही है कि एक्शन हम लेंगे, अभी कांग्रेस का क्या स्टेप? देखिए घोटाला हुआ है, इसमें कोई दोराय नहीं है। अत्री जी जैसे बता रहे थे, ये एक राजनीतिक परिभाषा में बात की है कि भाई उनकी माफ कर देना चाहिए नहीं कर देना चाहिए। जो माफ किया बिल्कुल गलत किया, ऐसे तो कोई भी आएगा, कोई भी गलत काम करेगा, सरकार से विनती करेगा, प्रार्थना करेगा। कांग्रेस की कोई जवाब देगी नहीं, कांग्रेस ने आज तक कोई घोटाला, बीजेपी ने शोर इतना मचाया, जितने घोटालों का नाम लिखा, सुप्रीम कोर्ट तक भी कांग्रेस ने जीरो लॉस की जो पॉलिसी दी, यूपीए की गवर्नमेंट में 10 साल में केंद्र में हम सत्ता में रहे, 10 साल हम हरियाणा में सत्ता में रहे, एक भी घोटाला नहीं हुआ। लेकिन ये बीजेपी वाले ज्यादा बोलते हैं, दूसरों को बदनाम करते हैं और अपना सर्टिफिकेट खुद देते हैं, हुआ ही नहीं बिल्कुल। बिल्कुल विषय पर बात कीजिए, 2010 से और 2015 की जो आंकड़े दिए गए थे, आप लोग सत्ता भी 2014 तक रहे और 3 साल की अगर बात कर ली जाए, जो राइस वापस आना था विभाग को वो कितना दिया गया 2013 की, कम से कम वो मानिए आप, कांग्रेस दूध की धुली है इस मामले में, कांग्रेस दूध की दुनिया। वो तो वो भी मान रहे हैं, जो सामने जो राइस मिलर बता रहे, वो कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने जो इनको 3% रिबेट दी थी वो लीगल था, उसके बाद जो वापस नहीं आया, जो बात आई वो फिर मनोहर सरकार के, जो ये कह रहे हैं मनोहर सरकार है, इनके पास आई, इन्होंने माफ किया, कांग्रेस ने कोई माफ नहीं किया। कांग्रेस ने नहीं, अगर उन्होंने गलत किया तो रात के अधिकारी नहीं है वो, ये जांच का विषय हो सकता है। अगर उन्होंने गलत किया है तो रात के अधिकारी, जैसे अत्री जी ने क्या, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ कि किसान आए उनको राहत नहीं दी, आज इन्होंने ये जो अधिकारी आए सरपंच आए उनको बाहर भगा दिया, घोटाला हुआ इन्होंने, उसमें क्या किया वो जांच का विषय है। घोटाला हुआ, सरकार को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, वो सब ठीक है। लेकिन एक शर्मा जी की बात, मैं तो बड़ा हिम्मत दूंगा कांग्रेसी मित्र की, कहते जी हमारी सरकार के दौरान कोई घोटाले नहीं हुआ, हुए नहीं। 4 मामले विजिलेंस जांच कर रही है, 3 मामलों में सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रही है, लंबी फेरिस्ट कर रही है, लंबी फेरिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के, हमारे केंद्र सरकार में सियार ऐसे मुद्रा कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वैसे कह रहा हूं कि साहब अगर देखिए, मैं तो एक एग्जांपल वैसे दे रहा हूं, 400 पेज की 4 शीट है, 10 साल का कार्यकाल, हरियाणा प्रदेश का काला अध्याय है, प्रधान हमारे साथ जुड़े हैं कोई, जो उनके प्रतिनिधि हम बताएंगे, सरकार ने फैसला किया है इन घपले घोटालों को देखते हुए, ये कोई पहली दफा नहीं है, सदा सदा ही चलता आ रहा है कि जितना किसी राइस मिलर को जितना राइस देंगे उसका 75% का पोस्ट डेटेड चेक लेंगे गारंटी के तौर पे। अभी वो गारंटी कम है, बहुत कम है, उसको गारंटी मतलब 75% की गारंटी देनी पड़ेगी। लेकिन कल जब मैंने चेक किया, वो कहता जी ये फिर एक हो जाएंगे राइस मिलर, और इस जो सरकार ने ये कहा है, फैसला किया है, ये सब सीधे बहुत छोटा आखिरी कमेंट 10 सेकंड। देखिए मैंने ये कहा कि जिस प्रकार का वित्तीय नुकसान हरियाणा सरकार को हुआ, उसके लिए हरियाणा सरकार ने कठोर कदम उठाते हुए उन अधिकारियों को बर्खास्त करने की तैयारी कर दी है। और जो किसान की बात अपने अत्रे जी ने की, किसान हितेशी होने की बात का सबसे बड़ा सबूत तो हमने 3000 करोड़ रुपए का उनको के लिए, तो ये मामला नए किस तरह के मोड़ लेगा, किस तरह की जांच की जाएगी और जांच के बाद क्या सच्चाई निकल कर सामने आएगी, वो इंतजार का विषय है।